आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो फ्लैक्सोन टैबलेट के बारे में, फ्लैक्सोन टैबलेट की यूज़ किस किस पर्पस में कर सकते हैं और इसे कंपोजिशन क्या है और साथ साथ इसका प्राइस कितना है और इसको इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों, ये जो फ्लैक्सोन टैबलेट है, ये फ्लैक्सोन टैबलेट ज़्यादातर आपको आसानी से आपकी नज़दीकी किसी भी मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगी, तो आप वहीं से खरीद के दोस्तों इसको सेवन कर सकते हैं या आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो बात ध्यान रखिएगा, ये जो शेड्यूल एस ड्रग है, ये शेड्यूल एस ड्रग आप ऐसे ही इस्तेमाल मत कीजिएगा विदाउट डॉक्टर परमिशन। तो आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लीजिए, ये जो फ्लैक्सोन टैबलेट है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि नहीं। ज़्यादातर क्या होता है, इसका जो सॉल्ट है इसमें आपको आइब्रोफिन एंड पैरासीटामोल दो ही सॉल्ट मिलता है एक साथ, तो इस आइब्रोफिन एंड पैरासीटामोल आप लॉन्ग टाइम इस्तेमाल मत कीजिएगा। लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करने से इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है दोस्तों। एरिस्टो कंपनी का एक बेस्ट प्रोडक्ट है और एरिस्टो एक जाने माने कंपनी है, तो इसका प्रोडक्ट आपको इंडिया में किसी भी मेडिकल शॉप में दोस्तों आसानी से मिल जाएगी। आइए इसका सॉल्ट कौन सा है, कितना एमजी मिलता है। जैसे कि इसमें आइबुप्रोफेन मिलता है 400 एमजी और साथ साथ पैरासीटामोल मिलता है 325 एमजी। तो ये दो ही सॉल्ट आपको एक साथ एक ही टैबलेट में, वो है फ्लैक्सन टैबलेट में, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। और ये फ्लैक्सन टैबलेट की जो प्राइस है उसके बारे में एक बार गौर करते हैं, ये 20 रुपीज़ में मिल जाएगी 15 टैबलेट्स। तो 15 टैबलेट्स की प्राइस है 20 रुपीज़, तो बहुत ही सस्ता है और इसका वर्क भी दोस्तों एकदम एक्सलेंट है। आइए इसका यूज किस किस पर्पस में या किस किस परिस्थिति में आप लोग कर सकते हैं। ये जो फ्लैक्सोन टैबलेट है ये ज़्यादातर दर्द की प्रॉब्लम में साथ साथ बुखार की प्रॉब्लम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी क्या होता है कि घरेलू में थोड़ा काम करने के बाद जो आपका बॉडी में पेन होता है या दर्द रहता है, सर दर्द होता है, साथ साथ आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट में कोई भी दर्द हो, तो उस सब क्षेत्रों में इस फ्लैक्सोन टैबलेट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओनली फॉर एडल्ट के लिए है, नॉट फॉर चाइल्ड। तो ये बच्चे के लिए इस्तेमाल कभी भी मत कीजिएगा, ये ओनली फॉर एडल्ट के लिए है दोस्तों। जख्म हो जाना या कट जाने के बाद जो दर्द होता है, तो उस दर्द को या उसके साथ साथ बुखार भी कभी कभी आ सकते हैं आपकी, तो उस सब प्रॉब्लम में भी दोस्तों आप फ्लैक्सोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सर में दर्द है तो सर की दर्द के लिए या हेडेक की प्रॉब्लम है ज़्यादातर, तो उस सब प्रॉब्लम के लिए भी आप फ्लैक्सोन टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। और इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से 10 से 15 मिनट के अंदर में दोस्तों आपकी बुखार की प्रॉब्लम हो, हेडेक की प्रॉब्लम हो, साथ साथ बदन दर्द की कोई भी समस्या हो, तो उस सब क्षेत्रों में इसका रिजल्ट एकदम एक्सलेंट या तुरंत आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत ही सस्ता है और साथ साथ इसका फायदा भी दोस्तों बहुत अच्छा है, एक्सलेंट वर्क है। इसका इस्तेमाल कैसे या सेवन डोज कैसे लिया जाए, तो उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आपके डोज के बारे में एक बार बता देते हैं। जैसे कि ये एडल्ट के लिए है, एक टैबलेट आप आफ्टर फूड सुबह और रात को भी एक टैबलेट ले सकते हैं। आपकी फीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा है, फीवर ज़्यादा होता है, तो उस टाइम दोस्तों आप इस टैबलेट को 3 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो बुखार के साथ साथ बदन दर्द की आदि प्रॉब्लम के लिए आप इस फ्लैक्सोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है उसके बारे में भी एक बार गौर कर लेते हैं। ये फ्लैक्सन है, ये आप लॉन्ग टाइम कभी भी दोस्तों इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये अगर आप इसको लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो उस टाइम क्या होता है, आपके किडनी में इफेक्ट हो सकता है और साथ साथ आपकी लूज मोशन, चक्कर आना आदि प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इस फ्लैक्सन टैबलेट का लॉन्ग टाइम इस्तेमाल दोस्तों मत कीजिएगा, शॉर्ट टाइम के लिए इसको इस्तेमाल कीजिएगा। आपका आदि छोटा छोटा प्रॉब्लम है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, साथ साथ आपकी बदन दर्द है आदि प्रॉब्लम के लिए दोस्तों आप इसको थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपका जो बॉडी में दोस्तों इस आपका जो प्रॉब्लम्स है आपको तुरंत आराम मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों सबको शुक्रिया और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।